मुस्कान के घर आते मैंने एक दो काम भी निपटा लिए अपने। हेलो, वो इनके ब्लॉग में, वो इनके दोनों के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नन्नू आ गई पूजन की गोदी में, मेरे पास से जा नहीं ली, छोड़ ली। और हम सब आज ये हमारी देखो मुस्कान, ए पसीने में हो रही हूं मैं, ये पोछा मार मूर्ग एक दिन तो टाल कर देती, बस पोछा मारना कोई एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। ये उन लोगों में जो चार दिन तो पोछा मारेगी नहीं, और पांचवे दिन जिस दिन जाना होगा ना मेरी तरह है, उस दिन पोछा मारेगी। अब तो जल्दी से नहा ले और कोई काम नहीं। भाई बच्चों का कमरा कितना प्यारा बना रखा है इसने, बच्चे यहाँ खेलते भी रहते हैं, और ये बच्चों का बेड, वो बात अलग है, बच्चे इस बेड पर सोते नहीं है। और ये हमारे जीजा जी सेवा करते हुए और ये बुखार में है मेरे बेटू, मैं इतनी सारी चॉकलेट दिए खा ले ना, ठीक है? ए? दवाई ले ली बुखार की है? अभी लेके आई है दवाई, दवाई लेके आई हो? नहीं ली ना दवाई, ले ही है। कब ली थी? अभी ली है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं वहां पर, मुस्कान रील बनाने लग रही है, पूनम येरी मैं भी रील बनाने लगी हूँ, रील तो बना ली, ब्लॉग बनाऊंगी। आज हम जा रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, लोकेशन पे पहुंच के आप लोगों को बताएंगे। और ये नन्नू का बैग रेडी है, ये मेरा छोटा सा बैग, और नन्नू उधर लटकी हुई अपने पापा के पास, और इसके पापा कितने अच्छे हस्बैंड है देखना, मेरा अपने आप बोल के कहा कि ला तेरा ब्लॉग बना दे। मतलब आगे बढ़ रही है आज भी हम सनरूफ पे जाएंगे, ये हेलो गाइज, ये भैंस है, हेलो भैंस भाई साहब जी, ये भैंस की दूसरी बहन है। वो शी इज ब्लैक बफेलो, आई एम व्हाइट बफेलो, कौन सी भी ना हो रही आज का लाल बफेलो है। ये देखो ये मुस्कान का ससुराल है, ये सारे बुड्ढे गाली देंगे ससुरी के कर देते, कति चाल पाट रखे ने, कति शर्मतार रखी। तू कौन है, तू कौन है? अरे मेरा ससुराल नहीं है यहाँ पर, आज मुस्कान का ससुराल। ये दोनों की नई नई गाड़ी है, और दोनों आज पूरे रास्ते अपने अपने गाड़ी का गुणगान गाएंगे। यहाँ कुछ भी ना है, कैसे छुपा रखा अपनी बेटी। तो भैया हम लोकेशन पे पहुंच गए, मुस्कान पूनम जीजा सबको छोरी की टेंशन हो रही है, छोरी बहुत ध्यान से है, और ये री लोकेशन हुई, यहाँ पर आए हैं हम। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कहाँ पर आए थे। हम आए थे ब्यूटी ब्रांड के इनॉग्रेशन पे, ये शॉप ओपन हुई है सोनीपत में, सुपर मैक्स सिटी रथढाना स्टेडियम रोड के पास है, नाम है ब्यूटी ब्रांड। तो आप लोगों को अगर डिज़ाइनर सूट वगैरह चाहिए रीज़नेबल रेट्स में, पंजाबी जुत्ती चाहिए, क्लचेस चाहिए, पर्स चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर आके ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डील है इनके पास, बहुत ही डिसेंट रेट्स हैं इनके, और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स भी निकले हुए हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ से सूट लेना है तो एड्रेस वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मैं मेंशन कर दूँगी। और यहाँ का सुपरमैक्स सिटी है, उसी के पास ये शॉप ओपन हुई है, बाकी आप लोग देख लेना, मैं ना डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी वरना मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था मैंने, नन्नू ने और मेरे हस्बैंड ने, हम तीनों ने मिलकर। बहुत ही अच्छी शॉप है, बहुत प्यारा लगा मुझे, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं आगे बढ़ती रहूँगी, ऐसे ही इनॉग्रेशंस में करती रहूँ, और मैं हमेशा यही चाहूँगी जो जो मुझसे इनॉग्रेशन करवाए वो बहुत तरक्की ले,
बहुत आगे बढ़े और यहाँ से हमने भी कुछ चीज़ें पसंद की थी। तो उस टाइम मुस्कान ने एक सूट ख़रीदा था और बाद में उसका मैंने बिल पे कर दिया। एक ऑरेंज कलर का बहुत प्यारा लगा था मुझे सूट, तो उसने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन बाद में हमने बात करके वो सूट का मैंने पेमेंट कर दिया था, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं चाहती कि उस पर भी बर्डन पड़े। और एक बहुत प्यारा कलर का ऑरेंज सूट मैंने लिया था और मुस्कान ने यहाँ से 10,000 की शॉपिंग की थी, तो उसको भी पायल वगैरह मिली। ये तो पड़ गई। अब पूनम का टैलेंट देखना, पूनम ब्लॉग बनाते बनाते रहता डालेगी भाई। मैंने कैसे डालूं हारे का सहारा मुझे। हाँ बोलो, बोल बोल पिंकी आजा। हेलो हाय, फोन वो उधर गए। पूनम दी हाँ
कैमरा घुमा दे थोड़ा, मेरी तरफ कर दे। किधर घुमाऊं? देखो कितना अच्छा लगता है, नन्नू को संभाल रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होने दे रहे। देखो ये देखो कितना प्यार है। सो गई भाई। और अब मैं आप लोगों को शॉप दिखा देती हूँ। ये शॉप बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्राउड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बहुत शॉपिंग की सब ने, बहुत ज़्यादा क्राउड था। कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, आप लोग देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा थी शॉप में। तो इनका हर पर्सन ने मिनिमम 10,000 की शॉपिंग की ही की थी, क्योंकि कलेक्शन ही इतना प्यारा था। यहाँ पर एक विनर भी थी, जिनको विनर क्या, इन्होंने शायद 10,000 या 12,000 की शॉपिंग की थी। तो इनको एक पायल मिली थी, एक सूट मिला था और एक गिफ्ट मिला था। तो अगर आप लोग भी शॉपिंग करते हो तो क्या पता ये ऑफ़र आप लोगों को भी मिल जाए और आप लोगों को भी इतना अच्छा डिस्काउंट मिले। मुझे यहाँ के क्लचेस और ये जूती वगैरह बहुत पसंद है, आई थी। और ये देखो भीड़ में मैं और पूनम। अब भाई हम चले चल। हाँ मैं तो मारी गई चले जाएंगी। तू आई नहीं मारी गई तो जाऊं तो थारी गई हूँ। बताऊंगी तेरे गाड़ी में चल सारे बदलो। मैंने कुटेगी भी देखी है गाड़ी, ये कुटेगी अब मेरे साथ। देख जीजा जीजा बाय बाय गोबर मिला के जल्दी। जीजा इतना ध्यान से देख रहा है गोबर। क्यों?
भाण बेटी होगा शर्म तो है नहीं मैं बटे बाणवेटी मन रही है तो शर्म नहीं है जीजा देख शर्म का क्या करना ये दो चार चीजें ये आंधे जीजा आंधे सारा लेके जा रहा हूँ इन्हें पकड़ पहले अल्लाह और भाई देखो इनके साथ में के गिफ्ट ये सूटा ये सूट रख दिए मेरा बोलो नहीं बढ़ रहा चलो कोई बात ना बढ़ रहा है ये ऐसी होनी चाहिए भाई ननद तमुई ना ऐसी होनी चाहिए भाभी भाई भाभी होनी चाहिए ऐसी है यहां समझना मर भी रैप टी ननद बना दूंगी हम ननद दो समझिए यहाँ पर ठाव दोनों मानता है तुम्हारा मैं मानता मानता तुम ना बता दू मैं समझी समझा ये देखो सारे गांव की लगाई लकड़ के देखने भाग रहे भाई छुबर देना एक लो मिल गई जगह ये देखो दोनों अपने गिनते हुए बर्तन बेटे ये तो बड़े चालू आदमी क्या चलो भाई चलो देख फॉलोवर बना दूंगा एरी नन्नू मारी लेटी हुई और मैंने खरीदा था ये वाला सूट बहुत प्यारा सूट है ये इसका ओरिजिनल प्राइस है 3,950 और डिस्काउंट रेट पे ये मुझे पड़ गया 3,042 कुछ का ये इसका दुपट्टा है तो मैंने तो खरीदा था ये प्यारा है ना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लव यू ऑल